हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं गाता हूं गीत नया गाता हूं। और आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने गीत नया गाया उन्हीं पर अपनी प्रस्तुति देने आ रही हैं अनंता श्रीवास्तवा, जो हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से, और हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। जय महाकाल। सभी को सादर नमस्कार। मैं अनंता श्रीवास्तव, नेहरू युवा केंद्र, जिला शहडोल, माँ नर्मदा की पावन भूमि मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के सपूत एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। नवयोजन सहस्त्रों विस्तारो अस्य महामुनि, कर्म भूमिरियम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम। विष्णु पुराण में आलोकित यह श्लोक भारत भूमि को स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली कर्म भूमि बताता है। भाव, राग और ताल के समन्वय से बना भारत प्रकृति की जीवंतता का द्योतक है। विश्व में रोमन, ग्रीक जैसी अनेकों सभ्यताएं जन्मी और नष्ट हुई, किंतु सनातन सभ्यता एकमात्र वैज्ञानिक सभ्यता है जो अनेकों विदेशी आक्रमणों के बाद भी अपने शस्त्र और शास्त्रों की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप में जीवंत है। निसंदेह जब पाश्चात्य को धरती चपटी नजर आती थी, हमें तब से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य पता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वह राष्ट्र जिसने एक चट्टान काटकर कैलाशनाथ मंदिर प्रकट किया, जिसने कोणार्क के सूर्य मंदिर से अर्घ्य दिया, वह राष्ट्र जहाँ माँ गंगा की पवित्रता है, जहाँ श्री राम की दिव्यता है। 25 दिसंबर सन 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश के साधारण परिवार में जन्मे अटल जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वाक चातुर्य, दूरदर्शिता, शब्द और भाषा पर पकड़ उनके ओजस्वी व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। बलरामपुर से 1957 में प्रथम बार सांसद चुने गए वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में विपक्ष के मायने बदल दिए। 1977 में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को मातृभाषा हिंदी में संबोधित कर गौरवशाली हिंदी भाषा को गौरवान्वित किया, साथ ही हीन भावना से ग्रस्त लोगों को सटीक उत्तर भी दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण कराकर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, साथ ही कारगिल युद्ध में त्वरित निर्णय लेकर शटे शाट्यम समाचरित के सिद्धांत को प्रतिपादित कर उन्होंने चरितार्थ किया कि विनय न मान जलधी जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। प्रधानमंत्री जी ने परमाणु परीक्षण के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रतिकार के में भारतीय प्रवासियों का आह्वान कर राष्ट्र के राजकोष को समृद्ध कराया, साथ ही विपक्षी नेता होते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का पक्ष रखते वक्त भी अटल जी ने प्रत्येक वक्त हर एक निर्णय में राष्ट्र को प्रथम रखा। अपने कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति, भारतीय प्रवासी दिवस जैसे आधारभूत कार्यों का आरंभ किया। कवि हृदय से शब्दों को उकेरने वाले अटल जी अपनी 51 कविताओं को युद्ध की घोषणा कहते हैं, जो जीवन के सच, संघर्ष, विद्रोह, वेदना और मानवीय संवेदनाओं से सज्ज है। 3 बार प्रधानमंत्री, 12 बार सांसद रहे वाजपेयी जी का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। अपने राष्ट्र और धर्म का गौरव आख्यान करने वाले, भारत के मस्तक की दृढ़ता सुनिश्चित करने वाले, अपनी मातृभाषा और मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पित करने वाले श्रद्धेय श्री अटल जी को उन्हीं की कालजयी पंक्तियों के माध्यम से मैं कोटिशः नमन करती हूँ। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंत में मैं पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने देश के युवाओं को केंद्रीय कक्ष में बोलने का, अपने वक्तव्य को साझा करने का अवसर दिया। धन्यवाद प्राइड, धन्यवाद भारतीय संसद।